आपका नाम भूल कर हमेशा भूल रहे हैं। मैं हमेशा देखा हूँ, 5 साल से कवर कर रहा हूँ आपको। हर आदमी आते किसी को बदल जाता है। आप 1998 से आप प्यार तो होना ही था, लेकिन आप कौन सा रैंकिंग मतलब पर इंसान में सब कुछ कर देता है। आप देसी हो, जमीन से जुड़ी हुई है, टैलेंट सब कहाँ से रहता है, बाकी लोगों में क्यों बचा पाता है। ये आप लोगों का प्यार है यार। और दूसरी बात है, मेरा ऐसा मानना है कि वक्त जो है वो बदलता है, मौसम जो है वो बदलता है, हालात जो है वो बदलते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो इंसान होता है वो नहीं बदलता। अगर वो इंसान है तो मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर था वहाँ से लेकर आज जो भी छोटी मोटी तरक्की मेरी हुई है, जो भी अल्लाह ने मुझे नवाजा, आज भी मुझे सारे मेरे जो साथी मिलते हैं उन्हें कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि भाई वही जो कैब मजिया करता था वैसा ही हूँ मैं, और मैं हमेशा ऐसा ही रहना भी चाहता हूँ। इसलिए कि मुझे लगता है कि इसमें अब बहुत मज़ा भी आता है और लोगों को बहुत प्यार मिलता है, उनकी दुआएँ मिलती हैं, और उन्हीं दुआओं की वजह से शायद आप जो है इतनी तरक्की कर पाते हैं। ये बात है कि पहले भी आप वैसे हिट थे, अभी भी हिट, अब ये सादगी आपको प्यार मिलता है आपको, तभी तो आप हिट बाय हिट पिक्चर जिस समय हर पिक्चर फ्लॉप हो रहा है उस समय आपको पिक्चर भूल रहे हैं। टू ने मार्केट में एक मसाला दिया, लोगों को दिल में मुस्कान दिया, आप इससे कितने एक्साइटमेंट थे। नहीं, बहुत खुशी थी और बहुत डरे हुए थे कि यार ऐसे हालात में जब फिल्में नहीं चल रही हैं उस वक्त क्या होगा। हमें लेकिन एक विश्वास था, एक कॉन्फिडेंस था, एक भरोसा था कि खूबसूरत फिल्म बनाई है और हमेशा लगता था कि ये चलेगी, बट जितना प्यार लोगों ने दिया वो एक्सपेक्ट नहीं किया हमेशा। और बहुत ही खुशी इस बात हुई इसलिए कि जिन हालात में और जितने मुश्किल दौर में हम लोगों ने ये जो फिल्म बनाई थी उसका जो ये फल मिला हम लोगों को, ये बहुत ही मीठा फल था, बहुत ही मज़ा। सर एक बात पूछ रहा था, हमेशा आप लव स्टोरी बना देते हैं, इस बात कुछ अलग हट के हॉरर मूवी, मतलब कितने बार आपने रिस्क लिया और फिर रिस्क में आपको खेल है, मतलब मुझे रिस्क नहीं लगता है, इसलिए कि मैंने लव स्टोरी भी बनाई है, मैंने सस्पेंस थ्रिलर भी फिल्में बनाई हैं, मैंने कॉमेडी भी बनाई है, और मैं बल्कि एक्साइटेड था कि यार ये जो जॉनर है हॉरर का ये मैंने नहीं बनाया। मैंने बहुत सारी हॉरर फिल्में देखी हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत फिल्में बनी हैं, और मैं ट्राई करना चाह रहा था कि भाई मैं अपनी एक जो स्टाइल है उसमें किस तरह हॉरर बनाना चाहता हूँ। तो मेरे जहन में हमेशा था कि मैं हॉरर ऐसी बनाऊँ जो बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने बहुत लाजवाब फिल्में देखी हैं, बहुत उमदा फिल्में देखी हैं, बहुत क्लासिक फिल्में देखी हैं जो हॉरर हैं वो बहुत कमाल हैं, बट मुझे ये जो कोशिश थी मेरी ये बिल्कुल थोड़ी नई सी लगी, इसलिए कि हॉरर फिल्में जो है अक्सर छोटे बच्चे नहीं उतना इंजॉय कर पाते, बहुत डर जाते हैं। तो मुझे एक ऐसी हॉरर फिल्म बनानी थी जिसमें बच्चे डरे भी लेकिन एक्साइटेड भी, मज़े लें और फिल्म देखनी है, एंड वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और वो बच्चे जब मुझे आज मिलते हैं और कहते हैं कि हमने 2 बार देखी, 3 बार देखी मंजुलिका और ये वो सब, तो बहुत खुशी होती है। सर लास्ट, सर आप नए जो डायरेक्टर या जो नई जनरेशन आ रही है उसको लास्ट सर मतलब एक एडवाइस देना चाहिए, जो भाभी में जोड़ते उसको थोड़ी एडवाइस दे सकते क्या होगा। तो एडवाइस देने के लिए तो खैर मैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ईमानदारी से इंसान अगर कोई भी काम करे और थोड़ा सब्र रखे और थोड़ा अपने विश्वास रखे अपनी काबिलियत और ईमानदारी से मेहनत कर सकता है जो इंसान, मुझे लगता है उसका आज नहीं कल नहीं परसों ऊपर वाला इस मेहनत का फल जरूर देता है। क्योंकि दुनिया में मुझे लगता है हर चीज़ वेस्ट हो सकती है, एक ही चीज़ है जो वेस्ट नहीं होती, वो है मेहनत। जब आप मेहनत करते हैं जरूर आपकी किस्मत चमकती है। लाची सर, आपका पूरा नाम टीवी से बॉलीवुड तक, टीवी से बॉलीवुड तक, टीवी से बॉलीवुड देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा बहुत स्वागत है, सलाम नमस्कार। मेरा नाम है अनीस। सर एक सवाल, ये आपसे मिलना चाहते, जन्नत है।